जी जनाब, की हाल चाल है? मेरा नाम है सावंत, तुसी देख रहे हो मेरा चैनल मिस्टर सुनीत। टाइटल दे विच तुसी देख लिया होना, एक बंदे दा मेरी दुकान तो उत्तों फोन चोरी हो गया। ठीक है जी, ते हुण मेरे मगर पिया है मुंडा, कहिंदा भैया फोन मिलवाओ फोन मिलवाओ। फोन जिहड़ा चक के लै के गया उन्हें आके किसी नूं देता, उन्हूं ये कह के दिता वा कि यह मेरे भरा का फोन आ या मेरे रिश्तेदार का फोन आ, तुसी रख लो, मैनू एमरजेंसी आ, मैनू कुछ पैसे दे दो, 8,000 समथिंग इदा का कुछ आ। उहदे तो वह अमाउंट लैके चला गया। वो हुण की चक्कर पिया, जिहड़े बंदे नू फोन दिता गया सीगा पैसे लैके गया, जिहदे कोल मतलब गिरवी रख के गया एक तरीके का, वो बंदे ने फोन ऑन करता कितने। असी उहनू फोन किया कि भाई इदा इदा हैगा वा, कहानी सारी दसती आ, फोन चक्या गया वा, तैनू गलत कह के इनफॉर्मेशन गलत दे के तेरे तो पैसे लैके गया वा, वो तो सानू वह दे दे फोन। वो थोड़ा जहा है डरदा कि वह कहता पाया कि भाई मैनू डर लगता, मैं नहीं दे सकता है इदा आके। पहला उन्हें बुलाया सानू नहर ते, उत्थे गए, ठीक है जी। उस तो बाद फिर पार्क आ जाओ, पार्क चले गए जी, ठीक है। फिर वो बंदा कहना मंदिर आ जाओ, मंदिर चले गए। मंदिर तो बाद फिर कहना गुरुद्वारे आ जाओ। सो मेरा 2 घंटे वो बंदे ने घुमाए। उत्थे भी एक वाक्य हो गया, तो उत्थे चौंक दे विच जिवें पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं लगी होंगी हैगी, ट्रैफिक वाले जिहड़े पुलिस वाले होंगे ने उन्हां दी ड्यूटी लगी सी, उन्हें चक के फोन पर गल कराती पुलिस वाले दे नाल। पुलिस वाले ने देती वो बंदे नूं धमकी कि असी ये करांगे असी वो करांगे। वो डर गया, उन्हें कहता स्विच ऑफ। सो हुण असी आ गए वापस घर दे विच, मैं अपने घर, वो अपने घर, जिहदे कोल फोन आ वो अपने घर। तो हुण ही 2 मिनट पहला मैनूं नोटिफिकेशन आ गई कि भाई जिहड़ा फोन आ वो ऑन हो चुकिया। वो बंदे का फोन आया, मैं किया कि हाँ जी दसो जी दे दो फोन। वो बंदे का एवं वो भी खज्जल होंदा फिरदा, गरीब आदमी, 18,000 का फोन हो गया जमा ही। वह हूँ वो किसी को फोन दे पैसे उधारे मंग के लैन चला वा, अपना पैसे दे के फोन लैन चला वा, क्योंकि उन्हें भी दिते हुए ने। हूँ बस ये आ कि वह बंदा जिहड़ा चोर आ जिन्हें फोन चक्या वह मिल जाए किसी तरीके, वो मिल गया तो सोने ते सुहागा हो जूगा। देखो हुण बनता की आ, वीडियो मैं क्या मैं रिकॉर्ड कर लैंदा वा, देखते हैं की बनता। हुण वो बंदे ने बुलाया वा एल ब्लॉक वाले फाटकां ते, आ बंदा वा जिहदा फोन चक्या गया वा। तो जिहदा तुहानूं मैं दस्या सीगा कि बंदे ने कदी इत्थे आ जा, कदी उत्थे आ जा, कदी इधर आ जा, हैं बुलाई जांदा। हुण कहा सीगा कि शाम नगर वाले फाटक ते आ जाओ, तो हुणी तेरी गल होई। हाँ गल की कहिंदा वा, क्या कह रहा है वो? फोन कह रहा है कि अब नहर तरफ आ जाओ। हुण इहदे कोले कन्विंस नहीं हैगा, कन्विंस मेरे को, मैं इहनू चल हैल्प कर रहा वा कि भाई तैनू मैं छड्या ना भाई जिथे जाना, वो कहिंदा कल्ला इदा हो नहीं ना सकता। सो देखते हैं कोई ढाब बन ला के, उन्हूं फोन करके देख दोबारा, उन्हूं कह शाम नगर वाले फाटक ते आ जा भरा, मेरे को है नहीं कोई किसे आ सकूँ मैं, मेरे पास है नहीं, फोन कर उसको, कर फोन, देखते की कहता। हेलो, अरे भैया आप, हम श्याम नगर फाटक पे खड़े हैं, सेम टू समझ रहे हो भाई, श्याम नगर फाटक पे हम खड़े हैं, आप कहाँ पर हो यार? तेरे को बोला यार इधर आने के लिए। किधर भाई? इधर से ट्रेन जाती है, कितना टाइम लगता है? अच्छा, तो फिर फाटक पे खड़ा है, जल्दी आ जाओ वहाँ से। यार भाई हम वहाँ पर, हमको मालूम ही नहीं हम अकेले कैसे आ जाएंगे। हा? अरे हमको मालूम ही नहीं भाई, यहाँ पर हम नए आए हैं, यहाँ पर सीधा सीधा आना, इधर से आता। तो किधर वाला है, उल्टे हाथ पे हैं सीधे हाथ पे हैं? अरे किधर वाला है मतलब, ये बताओगे? पटरी देखिए। हाँ पटरी है। हाँ पटरी से सीधा नहर की तरफ। अच्छा नहर की तरफ है। हाँ ठीक, तो तू ना, तो मैं अकेले आऊँ ना? अकेले हाँ। अच्छा ठीक है, मिलो भाई। वैसे उन्हें FIR तक करा दी आ,
ਪਾੜ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੇਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਬੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਹ ਬਾਰਕੋਡ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, IMEI ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੋਕਸ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਹ ਚੀਜ਼, IMEI ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰੇਕ ਫੋਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਰੱਖੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਔਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੱਬਾ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰ ਦਿਓ।